नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम लाल मिर्च का नींबू वाला तीखा अचार बनाएंगे और इसे लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। तो आइए लाल मिर्च का नींबू वाला तीखा अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम लाल मिर्च ले लिए हैं। ये सर्दी के मौसम में ही आती हैं। मिर्च को हमने अच्छे तरीके से धोकर धूप में 2-3 घंटे सुखा लिया है। पानी अच्छे तरीके से सूख गया है। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले जो हमने साबुत लिए हैं, इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे। तो ये हम पैन गरम कर लेंगे। 4 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून मेथी दाने, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन और ये 1 टेबलस्पून काली मिर्च। मसालों को लगातार चलाते हुए बिल्कुल 1-1.5 मिनट हल्का सा भून लेंगे। मसालों को हल्का सा भूनने से इनकी नमी दूर हो जाती है और इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। हम चाहें तो इन्हें 2-3 घंटे धूप में सुखाकर भी ले सकते हैं। ये मसाले हमने 2 मिनट भून लिए हैं और ये हमने मिर्च में डालने के लिए 1 कप सरसों का तेल लिया है। तेल को हम अच्छा गर्म होने देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है, इसे हम दरदरा पीस लेंगे और इसमें हम ये नमक भी डाल देते हैं। मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमने 4 टेबलस्पून काली सरसों ली है, इसे भी हम एकदम दरदरा पीसेंगे। इसे भी हम इसी मसाले के ऊपर डाल देते हैं। हमें सारे मसाले मिलाने हैं। तेल से धुआं निकलने लगा है, तेल गर्म हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। तेल को हम इसी में ठंडा होने देते हैं। अब हम ये बचे हुए मसाले भी इसमें मिला लेते हैं। ये हमने 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और ये लगभग 2 पिंच हींग। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये हमने 2 नींबू लिए हैं, इनका रस निकाल कर हम मसाले में मिलाएंगे। मसाले में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और मिला देंगे। अचार का मसाला बनकर तैयार हो गया। मिर्च को हम काटेंगे तो सबसे पहले हम इनका डंठल काट कर हटा देंगे। अब मिर्ची को इस तरीके से लंबाई में काटेंगे कि इनका नीचे का सिरा जुड़ा रहे। इसके अंदर से थोड़े से ये बीज और पल्प निकाल देंगे। इसको सिरे से थोड़ा खाली कर लेते हैं ताकि इसमें मसाला ऊपर तक अच्छे तरीके से भर जाए। इससे मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये मिर्ची हमने भरने के लिए तैयार कर ली और सारी मिर्च हम इस तरीके से तैयार करेंगे। ये थोड़े से बीज जो मिर्च के अंदर से निकले हैं वो हम इस मसाले में मिला लेंगे और अब मिर्च को मसाले से भरेंगे। इस तरीके से उंगली की सहायता से इसे खोलेंगे और इसके अंदर मसाला डाल देंगे। पूरा अच्छे तरीके से चम्मच से दबा देंगे, एक्स्ट्रा मसाला हटा देंगे। ये हम मिर्ची भरकर प्लेट में रख लेंगे। ये सारी मिर्च हमने भरकर तैयार कर ली। तेल को हम प्याली में निकाल लेते हैं। तेल में हम एक एक मिर्च को पूरी तरीके से डुबाकर निकाल लेंगे और ये मिर्च हम इस प्याले में रख लेते हैं। सारी मिर्च हमने तेल में डुबाकर निकाल ली है। अचार तैयार है। मिर्ची के अचार को हम कंटेनर में भरकर रख लेते हैं। ये हमने कांच का कंटेनर लिया है और गर्म पानी से धोकर इसे अच्छे तरीके से धूप में सुखाया है और ये जो मसाला बचा है ये मैं यहाँ मिर्ची के ऊपर डाल देती हूँ। सारी मिर्च हमने कंटेनर में भर दी। सारा तेल भी हम इसके ऊपर से डालेंगे। लाल मिर्च का नींबू वाला तीखा अचार बनकर तैयार है। लाल मिर्च तीखी होती है, हमने इसमें काली मिर्च डाली है ताकि अचार का और तीखापन बढ़ गया है और अचार टेस्टी भी हो गया है। अचार को अगर आप 1-1.5 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं तब अचार को इसी तरीके से बंद करके कंटेनर में रख दें। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 3 दिन अचार को धूप में रख लें,
मिर्च जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, नहीं तो आप इसे अलमारी में भी रख सकते हैं, अचार अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। अचार 3 दिन के बाद आप खा सकते हैं, मिर्ची के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर आप अचार को बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो 3 दिन बाद आप देखेंगे मिर्च थोड़ी सी नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, तब आप तेल गरम करके इतना तेल कंटेनर में डाल दें कि मिर्च तेल में डूब जाए, फिर आप अचार को पूरे साल भर तक रखकर खा सकते हैं। तो आप ये लाल मिर्च का तीखा नींबू वाला अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।